हेलो एवरीवन माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी सो यहाँ पे आज हम लोग बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का सो यू नो मी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड आपने अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अभी तक आपने क्लासेज लेनी स्टार्ट कर दी होंगी तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेज लेनी स्टार्ट कर दी हैं जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करते रहिए अगर आपको सेंट परसेंट मार्क्स चाहिए और अगर अभी तक रेगुलरली फॉलो नहीं किया है आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो सो so यहाँ पे हम लोग क्लास नाइन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ सभी का पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का पूरा का पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं फॉर सी बी एस बोर्ड सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्या टॉपिक है क्या चीज़ें वो सब सरप्राइज है आगे देखते हैं पहले सबसे पहले सो so, आपने अनअकेडमी का जो आ, लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए वहां पर टाइप कीजिए अनअकेडमी लर्निंग ऐप और उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए उसमें अपनी सारी एंट्रीज डाल दीजिए फोन नंबर ईमेल आईडी कौन सी क्लास के लिए हैं एंड सारी चीजें कर दीजिए ताकि आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे रजिस्टर हो जाएं एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो फायदे क्या क्या हैं फायदे देखिए फर्स्ट है आस्क अ डाउट आस्क अ डाउट में क्या होता है बेसिकली आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है वेदर इट इज फ्रॉम साइंस और इट इज फ्रॉम मैथ्स कोई भी है करना क्या है आपको आस्क अ डाउट का एक ऑप्शन होता है ऐप के राइट साइड पे उस पर क्लिक करना है क्वेश्चन की फोटो अपलोड करनी है अपलोड करके छोड़ देना है दस पंद्रह मिनट बैठना है दस पंद्रह मिनट बाद आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में सो so वो क्वेश्चन आपके लिए डाउट नहीं रहेगा सो इट्स एन अमेजिंग फीचर ऑफ दिस ऐप इस ऐप के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं सो so यहाँ पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं पहला है प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कोर्स का एंड बहुत सारे फ़ीचर्स मिलते हैं यहाँ पे जैसे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं विच इज़ अ पेड कोर्स ये पेड कोर्स होता है इसकी फ़ीस कितनी है बहुत नॉमिनल सी फीस है इसकी कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है 12 की है और इस हो पढ़िए जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए बहुत सारे एजुकेटर्स दिन भर एप्लीकेशन पे पढ़ाते रहते हैं तो आप अपने टाइम के हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो इसी का सिक्स मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज जस्ट फॉर रुपीज टेन थाउजेंड रुपीज तो आप यहाँ से भी इसको नीचे आपके पास जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हो तो नीचे ऑप्शन आता है उस ऑप्शन में आप यश yes टेन डालेंगे तो आपको टेन परसेंट का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है सो so, नीचे यश yes टेन डालना है जो कूपन होता है वहां पे और आपको तुरंत का तुरंत वहां पे टेन परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा दूसरा सब्सक्रिप्शन जो होता है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन की सारी खूबियां हैं अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल मेंटोर मिलते हैं यहाँ पे आपको लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहती हैं वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है पेरेंट से कनेक्ट होता है तो उनको भी आपका रेगुलर अपडेट मिलता रहता है स्टडी प्लानर हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं वीकली मंथली सेमी एनुअली एनुअली कि किस तरीके से प्लान बनाएं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ एंड बाकी सारे सब्सक्रिप्शन के जो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी आ, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहेंगी सो so, आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन सो फीस भी थोड़ी सी एडवांस है तो यहाँ पर जो फीस है एक साल की दैट इज़ ट्वेंटी एट थाउजेंड रुपीज अगेन फॉर ऑल द सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट चाहे उतने पढ़िए जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए ठीक है सिक्स मंथ्स की फीस इज जस्ट सेवेंटीन थाउजेंड रुपीज एंड अगर आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट चाहिए सो so नीचे यश yes टेन ये कोड डालेंगे और आपको तुरंत टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है सो so ये था आईकॉनिक के बारे में अन अकेडमी में इमर्ज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक नया फीचर लेके आए हैं सो so, आपके अगर बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी अन अकेडमी पर रजिस्टर्ड लर्नर हैं तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो ह्यूज डिस्काउंट्स मिल रहे हैं सिबलिंग्स को सो दिस इज बेसिकली अ सिबलिंग ऑफर जिसमें अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी सब इसका मेम्बर हैं अन अकेडमी का सो so आप भी बन सकते हैं और बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ सही है इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऑफर्स हैं जैसे अगर आप 12, 15 या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो दो महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त 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 फ्री मिलेगा बिल्कुल आपको सिमिलरली दो साल या तीन साल या चार साल का खरीदते हो तो उसमें फोर मंथ्स फ्री मिलता है पाँच साल छः साल सात साल का खरीदते हो तो उसमें सिक्स मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है सो दिस इज बोथ फॉर आइकॉनिक एज वेल एज फॉर ये आपका

Uh, यहाँ पे एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखा जाता है विच इज टोटली कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें आपको रजिस्टर कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना है इस uh, जो टेस्ट है इसमें बेसिकली एप्टीट्यूड के जनरल क्वेश्चन होते हैं एक घंटे का पेपर होता है आपको इस एक घंटे के पेपर को देना है और अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर किया सो यू विल बी गेटिंग लॉर्ड ऑफ स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज वन करोर तो बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप्स मिलती हैं बहुत सारे प्राइजेस रहते हैं यहाँ पे जिसके टाइमिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये आप अपनी क्लास के हिसाब से टाइमिंग नोट कर सकते हो और संडे को भाई पेपर देने बैठो ताकि पता चले कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया एंड दूसरी बात आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो तो फ्री में है करके देखो एक बार ट्राई जरूर करो और जब ट्राई करना तो नीचे वहाँ पे कोड डालने को आएगा अगेन यश टेन इज द कोड ये कोड डालेंगे आप तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा इस मैराथन का इस सॉरी कॉम्बैट का ठीक है चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सो so आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है क्लास टेंथ का प्रोबेबिलिटी सो so, क्लास टेंथ में प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता है प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होती है पर सबसे स्कोरिंग है सबसे आसान है बस जो बताता जा रहा हूँ वो समझते जाओ हंड्रेड मार्क्स आ जाएंगे आपके प्रॉबेबिलिटी में मतलब जितने भी मार्क्स आता है बेसिकली इलेवन मार्क्स का आता है स्टाटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सो इसमें स्टार्ट्स के भी क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस होते हैं तो पहले प्रोबेबिलिटी कवर करा रहे हैं फिर स्टार्ट्स कवर करा देंगे आराम से कर सकते हो आराम से नंबर आ जाएंगे ठीक है चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सो प्रोबेबिलिटी होता क्या है बेसिकली सो प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथामैटिक्स मैथामेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ऑफ हाउ लाइकली एंड इवेंट इज टू अकर किस तरह चांसेस हैं किसी चीज के होने के या ना होने के जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल देके बोलूं कि विराट कोहली ने सिक्का उछाला ठीक है और पाकिस्तान ने बोला हेड तो क्या चांसेस हैं कि इंडिया टॉस जीतेगा ठीक है या फिर क्या चांसेस हैं कि पाकिस्तान टॉस जीतेगा ठीक है सो so ये क्या है दीज आर बेसिकली चांसेस तो यहाँ पे जो ये इवेंट की बात हो रही है बेसिकली तो इवेंट का मतलब क्या हुआ जो सिक्का उछाला वो हो गया हमारे लिए इवेंट ठीक है उसके जो आउटकम्स हो गए हेड या टेल वो हो गया हमारे लिए इवेंट ठीक है सो हेड आया या टेल आया ये क्या हो गया ये इवेंट हो गया तो हमारे लिए भाई अगर पाकिस्तान ने टेल्स बोला तो हमारे लिए हेड जो है वो फेवरेबल हो गया ठीक है और पाकिस्तान के लिए टेल्स फेवरेबल हो गया ठीक है सो हाउ लाइकली इट इज दैट अ अपोजिशन इज ट्रू प्रोपोजिशन इज ट्रू सो कोई भी चीज़ कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो ट्रू होगा या कितने परसेंट चांसेस हैं वो फॉल्स होगा दिस इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी सो प्रोबेबिलिटी इज़ अ बेसिकली गेम ऑफ लक लक के ऊपर होता है पर लक से भी ज़्यादा अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी में आप कोई चीज़ के होने की या ना होने के चांसेस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं सो so फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का बहुत आसान सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं एफ ओ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सो किसी भी चीज के होने में जितने भी टोटल आउटकम्स आते हैं उसके नंबर जो होते हैं वो हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर में और उसमें से जो हमारे लिए फेवरेबल है उसके जो नंबर्स हैं वो हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर में एंड दिस रेशियो बेसिकली गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सो किसी भी इवेंट की अगर ए एक इवेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी की लाई करती है कहां से कहां तक जीरो से वन के बीच में यहां पे हम लोग इक्वल टू का साइन लगा दे तो भी सही होगा सो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन जीरो टू वन मिनिमम जो होती है प्रोबेबिलिटी वो होती है जीरो जीरो परसेंट चांस हो ही ना कोई चीज या फिर 100 परसेंट चांस कोई चीज होगी ही होगी सो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कहां से कहां लाई करती है वो जीरो से वन के बीच में हमेशा लाई करती है ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस चीज को लिख लीजिए कॉपी में एक तो यहाँ फॉर्मुला लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम एंड द सेकेंड फॉर्मूला की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन दूसरा अगर दो इवेंट्स दिए हैं ए एंड बी तो दोनों का सम अगर प्रोबेबिलिटी का दोनों का सम वन के बराबर है जैसे मैं आपसे बोल दू अ ए इज एन इवेंट कि कॉइन उछाला तो हेड आएगा ठीक है हम कॉइन उछाल रहे हैं और उसमें दो इवेंट्स हो रहे हैं हेड आने के और टेल आने के ठीक है

तो फेवरेबल इवेंट हमारे लिए यहाँ पे क्या है हेड तो ये फेवरेबल इवेंट कितना है यहाँ पे वन सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन हो गया सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा टोटल इवेंट्स हैं यहाँ पे दो है टेल और इसमें से अब हमारे लिए फेवरेबल इवेंट क्या है टेल तो इसकी प्रॉबिलिटी हो गई वन बाई टू अब यहाँ पे ऐड कीजिए हाफ प्लस हाफ ये किसके बराबर आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा वन के सो so अगर दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम वन के बराबर है सो so, एक इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल लो सा एल्जबरा यूज करें नॉर्मल सा एडिशन सब्सट्रैक्शन यूज करें सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वन तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए निकालनी है तो पी बी को इधर ले जाइए और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी निकालनी है तो पी ए को इधर ले जाइए सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अब ए डैश क्या होता है देखिए अगर ए हमने बोला है कि ए जो है वो है इवेंट हेड ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बेसिकली अपोजिट अपोजिट का मतलब जैसे मैं आपसे ईस्ट का opposite, तो ए का, का so, अपोजिट तो क्या हो जाएगा ए डैश क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा टेल भाई हेड का अपोजिट क्या होता है टेल है अगर हेड आएगा तो वरना फिर क्या आएगा टेल आएगा तो ए का ए डैश क्या है ए का ए डैश है टेल सिमिलरली अगर हम बी का बी डैश निकालें सो so बी का बी डैश क्या जाएगा? B B आ जाएगा बी का बी मतलब डैश तो आ जाएगा बी का बी डैश मतलब बी का अपोजिट बी क्या है टेल टेल का अपोजिट हेड तो यहां से क्या आ जाएगा हेड आ जाएगा ठीक है सो दिस इज बेसिकली नोन एज इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सो अपोजिट इवेंट जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये सब बेसिकली थ्योरिटिकल पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी से आपका बेस बनेगा इसी से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे करने बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा एक्सपेरिमेंट क्या होता है सबसे पहले समझते हैं तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग इन टर्म्स का यूज करते हैं ये टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एन ऑपरेशन विथ रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम तो ऐसी चीज जिसको करने से हमको वेल डिफाइंड आउटकम मिलते हैं जैसे हमने सिक्का उछाला तो ये सिक्का उछालना क्या हो गया हमारे लिए एक्सपेरिमेंट हो गया क्योंकि हमको यहाँ पे वेल डिफाइंड आउटकम मिले या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा सिमिलरली हमने डाइस रोल किया डाइस मतलब जो वो लूडो में खेलते हैं ना हम लोग, डाइस वो लूडो वाला डाइस रोल किया तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स भाई क्योंकि उसमें मैक्सिमम फेसेस होते होते हैं और लिखे होते हैं और नंबर्स लिखे ठीक है सो so ये क्या हो गया लूडो का जो डाइस रोल किया वो क्या हो गया वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया हमने ताश की गड्डी को फेटा और उसमें से एक पत्ता निकाला तो वो क्या हो गया वो एक्सपेरिमेंट हो गया ठीक है सो so एक्सपेरिमेंट का मतलब बेसिकली क्या हुआ जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं इवेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे सो so, जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के उसको इवेंट कहते हैं जैसे सिक्के उछालने पे दो इवेंट हो रहे हैं या तो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है सो दिस इज इवेंट्स सिमिलरली डाइस को रोल करने में देयर आर सिक्स इवेंट्स क्या क्या इवेंट्स हैं या तो वन आ रहा है या टू आ रहा है या थ्री आ रहा है या फोर आ रहा है या फाइव आ रहा है या सिक्स आ रहा है सो दीज आर इवेंट्स ठीक है सैम्पल स्पेस क्या होता है तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट को करने पे उसके सारे इवेंट्स को हम लोग एक सेट के फॉर्म में लिख दें उसको हम लोग कहते हैं सैम्पल स्पेस जैसे यहां पे मैंने डाइस के जो भी आउटकम्स आ रहे हैं इनको सेट्स के फॉर्म में लिख दिया सो दिस इज अ सैंपल स्पेस फॉर अ रोल ऑफ डाइस सिमिलरली मैंने हेड टेल को एक सेट के फॉर्म में लिख दिया जो टोटल आउटकम है ऑफ टॉसिंग अ कॉइन तो ये क्या हो गया ये हो गया कॉइन को जो टॉस कर रहे थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके इवेंट्स को हमने क्या किया आउटकम्स को सेट के फॉर्म में बना दिया तो ये हो गया सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ठीक है समझ में आया सो सैंपल स्पेस का मतलब जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पे उन आउटकम्स को अगर सेट के फॉर्म में लिख दें मतलब करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे सैंपल स्पेस ठीक है चलिए उसके बाद आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है जिसके होने के चांसेस बिल्कुल बराबर बराबर है इक्वली लाइकली उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट ठीक है लेट से एक लड़का है उसका नाम है लेट से अभय ठीक है और एक लड़का है उसका नाम है लेट से अभिनव अभिनव ठीक है दो लड़के हैं और एक लड़की है लेट से रोज ठीक अब रोज जो है बहुत सुंदर सी प्यारी सी लड़की है और ये रोज लड़की अब अभिनव चाहते हैं कि रोज से दोस्ती कर लें और अभय भी चाहते हैं कि हम रोज से दोस्ती कर लें ठीक है अब ये लड़की क्लास में नहीं आई है तो क्या चांसेस हैं कि वो अभिनव से बात करेगी या क्या चांसेस हैं कि वो अभय से बात करेगी ठीक है अगर वो दोनों को नहीं जानती और दोनों देखने में एक जैसे हैं बातें भी एक जैसी करते हैं सब कुछ एक जैसा है तो उस केस में दोनों से बात करने की प्रॉबिबिलिटी क्या हो जाएगी फिफ्टी फिफ्टी परसेंट ठीक है यानी ऐसे इवेंट को कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट इक्वली लाइकली क्यों क्योंकि दोनों से बात करने की जो रोज की प्रोबेबिलिटी वो बराबर बराबर है सो दैट इज नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट ठीक है अब यहां पे ये यह कह दे कि भाई अभय जो लड़का है वो बिल्कुल ऋतिक रोशन लगता है बहुत स्मार्ट है जब बोलता है तो बहुत अच्छी बातें बोलता है और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है बहुत जबरदस्त फिजिक बनी हुई है और ये जो अभिनव है ये बेचारा ऐसे ही है बिलो एवरेज ठीक है बिलो एवरेज लड़का है इस केस में अब रोज अभय से बात करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सो भाई दोनों में से अगर कोई अप्रोच करेगा रोज की तरफ तो रोज़ किसके पास जाएगी भाई जाहिर सी बात है खूबसूरती के पास जाएगी ठीक है अच्छाई के पास जाएगी क्योंकि वही आपको अट्रैक्ट करता है सो रोज किससे बात करेगी अभय से बात करेगी सो ये इवेंट कैसा हो गया ये हो गया एक श्योर sure इवेंट या फिर एक सर्टेन इवेंट तो एक ऐसी चीज़ एक ऐसा आउटकम जो होना ही होना है जैसे शोले का सिक्का था उसमें वीरू या जय कोई भी उछाले वो आता हमेशा क्या था हेडी आता था ठीक है और हमेशा जीतता कौन था जय जीत जाता था वीरू हार जाता था ठीक है सो so, ऐसा क्यों था क्योंकि दोनों तरफ ही हेड था तो वो कैसा वो, इवेंट हो गया श्योर इवेंट हो गया श्योर इवेंट क्यों क्योंकि जब भी आप सिक्का उछालेंगे आपको हेडी मिलेगा सो दैट इज हंड्रेड परसेंट तो उसमें कोई चांसेस की बात ही नहीं हमेशा एक ही चीज आएगी सो so, ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट ठीक है इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है और हम ये कहें कि भाई अभिनव जो है वो बिल्कुल देखने में बिल्कुल बिलो एवरेज है ना उसको कुछ अच्छा आता है ना कुछ आता है जब जाता है उसकी नाक बहती रहती है बहुत अनटाइडी सा रहता है गंदा सा है बिल्कुल मलिश टाइप का अब रोज अभिनव से बात करेगी क्या प्रॉबिबिलिटी है भाई जीरो परसेंट कोई चांस नहीं है बात करने का बात करने के लिए आपके अंदर पर्सनैलिटी होनी चाहिए दम होना चाहिए खूबसूरती होनी चाहिए स्मार्टनेस होनी चाहिए सो so ये होगा इम्पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब हो गया एक ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता जैसे हम बोले शोले वाला सिक्का उछाले और टेल आ जाए ये इम्पॉसिबल इवेंट है हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि दोनों तरफ हेड है आप उछालोगे तो हेड ही आएगा टेल कभी आ ही नहीं सकता ठीक है सो so, ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स ठीक है सो so, आपको समझ में आ गया होगा इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है ऐसे इवेंट जिनके होने के चांसेज बराबर बराबर हैं जैसे सिक्का उछालने पर हेड आने के भी उतने ही चांसेस हैं जितना टेल आने के ठीक है सो so, ये हो गए इक्वली लाइकली श्योर और सर्टेन मतलब जो हंड्रेड परसेंट होना ही होना है और इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता ठीक है सो दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट्स आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन करने से पहले फिर से मैं बता देता हूं प्रॉबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमको यहाँ पे पकड़ के चलना है पहला क्वेश्चन क्या है कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर अ नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स एंड एन ऑड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको सैम्पल स्पेस बना लेना का मतलब है अभी मैंने आपको बताया था, so, अगर हमने एक डाइस को रोल किया है तो so हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा ये आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से कोई भी आउटकम आ सकता है यहाँ पे ठीक है ये हो गया हमारा क्या सैंपल स्पेस इज आर बेसिकली सैंपल स्पेस ठीक है सो so, यहां से सबसे पहले हमने बना लेना है अपना सैंपल स्पेस अब सैंपल स्पेस बनाने से हमको पता क्या चल गया हमको पता चल गया कि टोटल आउटकम्स यहाँ से कितने हैं सो टोटल आउटकम्स यहां से हैं सिक्स टोटल आउटकम्स टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू सिक्स तो यहां पे टोटल आउटकम्स कितने छह टोटल आउटकम है अब पहले पार्ट में क्या कह रहा है अ प्राइम नंबर क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको एक प्राइम नंबर मिलेगा ठीक है सो so हम लोग ले लेते हैं लेट्स से फर्स्ट पार्ट में एक इवेंट माना ए इवेंट ए इसको लिख लिया इवेंट ए इज डिफाइंड इज डिफाइंड एज गेटिंग अ प्राइम प्राइम नंबर तो हमने मान लिया एक इवेंट ए बना दिया एक ए हमने डिफाइन कर दिया कि ए जो है वो क्या है गेटिंग अ प्राइम नंबर तो ए एक इवेंट है जिसमें हमको क्या मिल रहा है प्राइम नंबर मिल रहा है ठीक है अब अगर ए इज अवेंट तो हमको क्या निकालना है हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए िटी दैट द नंबर इज प्राइम नंबर अब फेवरेबल आउटकम समझिए हमको यहां पर मार्क कर लेते हैं prime numbers. So, prime numbers यहाँ पे कौन कौन से है? पहला प्राइम नंबर है टू थ्री एंड फाइव वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट याद रखिएगा जिंदगी भर याद रखिएगा सो टू थ्री फाइव दीज आर देशिक प्राइम नंबर टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए थ्री टोटल आउटकम कितने हो गए सिक्स इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो कितना फिफ्टी परसेंट वन बाय टू सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट में कह रहा है नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स सो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा इवेंट डिफाइन कर देते हैं इवेंट बी इज डिफाइंड इज डिफाइंड एज नंबर बिटवीन टू एंड सिक्स तो ठीक है सो so, जिसकी भी प्रॉबीबिलिटी निकालनी है उसको पहले डिफाइन कर दी जाए तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया सो so, यहाँ से निकालनी है प्रॉबीबिलिटी ऑफ बी सो प्रोबीबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी प्रॉबीबिलिटी ऑफ बी का मतलब हो गया यहाँ से दैट नंबर बिटवीन टू एंड सिक्स तो टू और सिक्स के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं तो देखिए टू और सिक्स के बीच में थ्री फोर फाइव सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स सो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए थ्री आउट ऑफ टोटल आउटकम सिक्स सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी वन बाय टू सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ गई हाफ के बराबर ठीक है सिमिलरली थर्ड पार्ट देखते हैं कह रहा है एन ऑर्ड नंबर अब यहाँ पे चूज कीजिए ऑर्ड नंबर कौन कौन से हैं सो so, यहाँ पे ऑर्ड नंबर हैं वन थ्री फाइव सो टोटल कितने ऑड नंबर हैं थ्री सो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया हमारा थ्री सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इवेंट सी इवेंट सी इज डिफाइंड एज ऑर्ड नंबर्स ठीक है सो so यहां से हमारा प्रॉबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम और नंबर कितने यहां पर थ्री सो फेवरेबल आउटकम हो गए थ्री आउट ऑफ टोटल आउटकम्स कितने सिक्स सो यहां से प्रॉबिलिटी कितनी आ गई फिर से वन बाय टू

टू डाइसेस एट अ टाइम विल बी इक्विवेलेंट टू थ्रोइंग अ डाइस टू टाइम्स मतलब एक डाई को अगर आप दो बार थ्रो करें दैट विल बी इक्विवेलेंट टू आप दो डाइसेस एक साथ रोल करें दो डाई एक साथ रोल करें एक ही बात है ठीक है क्यों क्योंकि अगर आप एक रो एक डाई को एक बार रोल दो बार रोल करोगे तो देखिए इसका सैंपल स्पेस मैं बना के दिखाता हूं आपको काफी लंबा चौड़ा सैंपल स्पेस बनेगा आप देखिए समझिएगा अगर ये दो डाई है ठीक है हमने पहले क्या किया एक डाई को रोल किया ठीक है फिर दूसरे डाई को रोल किया तो दो नंबर आएंगे हमारे पास पहले पे दो एक दूसरे पे एक सिमिलरली हमने एक ही डाई को दो बार रोल किया तो पहले एक बार रोल किया तो एक नंबर आया फिर एक बार रोल किया फिर दूसरा नंबर आया तो यहां पे भी हमको दो आउटकम मिले या फिर हम इन दोनों डाई को पकड़ के और फिर रोल कर दे तब भी हमको क्या मिलेंगे दो आउटकम मिलेंगे अब ये आउटकम क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी लॉजिक लगाना पड़ेगा सो ये आउटकम्स हो सकते हैं कि दोनों पे वन वन आ जाए या फिर पहले पे वन दूसरे पे टू आ जाए या पहले पे वन दूसरे पे थ्री आ जाए या पहले पे वन दूसरे पे फ़ोर आ जाए या पहले पे वन दूसरे पे फाइव आ जाए या पहले पे वन दूसरे पे सिक्स आ जाए ऐसा हो सकता है तो हमने क्या किया पहले वाले को एक पे रोक दिया और बाकी उस पर कोई भी नंबर आ सकता है तो ये ऐसा हो सकता है सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे दो आ जाए दूसरे पे एक आ जाए पहले पे दो आ जाए दूसरे पे भी दो आ जाए पहले पे दो आ जाए दूसरे पे तीन आ जाए पहले पे दो आ जाए दूसरे पे चार आ जाए पहले पे दो आ जाए दूसरे पे पाँच आ जाए एंड पहले पे दो आ जाए दूसरे पे छः आ जाए तो ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है ठीक है सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि थ्री वन आ जाए थ्री टू आ जाए थ्री थ्री आ जाए थ्री फोर आ जाए थ्री फाइव आ जाए एंड थ्री सिक्स आ जाए सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि फोर वन आ जाए फोर टू आ जाए फोर थ्री आ जाए फोर फोर आ जाए फोर फाइव आ जाए एंड फोर सिक्स आ जाए ये भी हो सकता है सिमिलरली ये भी हो सकता है कि फाइव वन आ जाए फाइव टू आ जाए फाइव थ्री आ जाए फाइव फोर फाइव फाइव एंड फाइव सिक्स लास्ट सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव एंड सिक्स सिक्स सो ये हो गए हमारे टोटल आउटकम और इन टोटल आउटकम्स को हमने क्या किया सेट के फॉर्म में लिख लिया करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया सो दिस इज बेसिकली आर सैंपल स्पेस ठीक है अब यहां पे टोटल इवेंट्स कितने है? अगर काउंट करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो छः रो है छः कॉलम है सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे इनको मल्टीप्लाई कर लें सो सिक्स इंटू सिक्स दैट इज थर्टी सिक्स सो हमारे टोटल आउटकम यहां से कितने आ गए टोटल आउटकम यहाँ से आ गए थर्टी सिक्स सो जब भी दो डाई को रोल किया जाएगा या फिर एक डाई को दो बार रोल किया जाएगा तो जो टोटल आउटकम होंगे वो किसके बराबर होंगे थर्टी सिक्स के बराबर होंगे सो so, बेसिकली इसका भी एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है देखिए फॉर्मूला ये होता है टोटल आउटकम टू दावर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड रिपीटेड ये जो है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड ये पावर में है ठीक है सो टोटल आउटकम टू पावर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड मतलब किसी भी आउटकम में टोटल आउटकम्स कितने आएंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स कितने आएंगे इसको निकालने का ये छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है जैसे हमने क्या बोला टोटल आउटकम जैसे एक डाई को रोल करने में टोटल आउटकम क्या आते हैं टोटल आउटकम आते हैं सिक्स ठीक है अब एक डाई को कितनी बार रोल किया जा रहा है यहाँ पे एक डाई को दो बार रोल किया जा रहा है या फिर कहते हैं दोनों डाइस को रोल किया जा रहा है तो सिक्स टू दी पावर टू दैट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स सो इस फॉर्मूले से हमको पता चल गया कि दो डाइस को जब रोल करेंगे तो टोटल थर्टी सिक्स आउटकम्स आएंगे ठीक है सिमिलरली मैं आपसे बोलूँ कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया या एक सिक्के को दो बार उछाला गया बात एक ही है अब एक सिक्के को उछालने में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आते हैं दो आते हैं या तो हेड आता है या तो टेल आता है कितनी बार उछाला गया दो बार उछाला गया सो टोटल आउटकम्स आउटकम्स कितने आ आ आ जाएंगे 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 टोटल के बराबर कौन कौन से आ जाएंगे? बता देता हूं आपको यहाँ पे सो so, आ जाएंगे दोनों पे हेड आ सकता है दोनों पे टेल आ सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल या पहले पे टेल दूसरे पे हेड तो काउंट कर लीजिए टोटल कितने हो गए फोर ठीक है सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जड़ी बूटी है बिल्कुल ये ये ब्रह्मास्त्र है जो हर जगह यूज होगा ही होगा इस फॉर्मूले को बिल्कुल लिख लीजिए टोटल आउटकम टू दी पावर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड बस ये फार्मूला अगर आपने लिख लिया ये फॉर्मूला अगर आपने दिल में बसा लिया तो आप कभी भी यहाँ पे कोई छोड़ेंगे नहीं वरना कभी कभी होता क्या है कि जब हम ये सैम्पल्स स्पेस बना रहे होते हैं कुछ एलिमेंट हमसे गलती से छूट जाते हैं ठीक है सो so, ऑल तेरी उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक पर गलती से मिस्टेक करनी नहीं है क्योंकि मिस्टेक करेंगे तो नंबर कटेंगे ठीक है तो करना क्या है यहाँ पे सारे नंबर्स सारे आउटकम्स हम लोग लिख पाए इसके लिए ये फॉर्मूले को दिल में बसाना है उसको जगह देनी है ठीक है सो so, यहां से अगर हम लोग काउंट करें देखिए तो थर्टी सिक्स आउटकम्स आ रहे हैं और इस फॉर्मूले के हिसाब से भी थर्टी सिक्स है यहां पे अगर हम लोग देखें दो सिक्के को एक साल उछालने वाली बात अगर देखें तो टोटल तो आउटकम आउटकम है 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 से भी टोटल ठीक अब दो सिक्के को अगर तीन बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम कितने आएंगे ये नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट में डालिएगा कि अगर दो सिक्के को तीन बार उछाला जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे राइट इन द कमेंट ठीक है चलिए सो so, ये सिक्के वाली बात तो वापस कर लेते हैं बैक आ जाते हैं सिक्के वाले से हमको कोई मतलब नहीं था ये इसको मिटाई देते हैं यहाँ पे ठीक है ये फॉर्मूला हमारे यूज का था ताकि कोई भी सैम्पल स्पेस में कोई भी इवेंट हमारा मिस ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया ठीक है अब क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइव विल नॉट कम आइदर टाइम फाइव विल नॉट कम आइदर टाइम मतलब फाइव दोनों बार नहीं आएगा ठीक है फाइव विल नॉट कम आइदर टाइम मतलब दो बार जब हम आ, रोल करेंगे डाइस को तो फाइव दोनों बार नहीं आएगा अब देखिए फाइव दोनों बार नहीं आएगा तो यहाँ पे देखिए अगर समझा जाए तो यहाँ पे टोटल आउटकम हमने देख लिए अब इसमें क्या रहा है फाइव दोनों बार नहीं आएगा मतलब ये वाला आउटकम हमारा नहीं आएगा अगर ये नहीं आएगा मतलब बाकी क्या आ सकते हैं So, हमारे लिए फेवरेबल इवेंट यहाँ पे हुआ क्या हमारे लिए फेवरेबल इवेंट हुआ कि इसको छोड़ के बाकी सारे इवेंट्स हमारे लिए क्या हो गए फेवरेबल इवेंट हो गए भाई यही तो मतलब हुआ Five will not come either time. Either time मतलब दोनों टाइम रोल करने पे कि हमारे लिए है बाकी कुछ भी आ जाए सब हमारे लिए फेवरेबल है सब झेल लेंगे सब लेंगे लेकिन फाइव फाइव नहीं सह पाएंगे ठीक है सो so, इस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें इस इवेंट की अगर इस इवेंट को हमने बोला लेट से ए और हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाले ऑफ इवेंट ए दैट इज विल नॉट कम आइदर टाइम तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे लिए सारे इवेंट्स एक्सेप्ट सो थर्टी सिक्स में से एक माइनस कर दो तो कितना हो हो गया 35. गया ये फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितना है थर्टी सिक्स सो आंसर इज थर्टी फाइव बाय थर्टी सिक्स ठीक है सेकेंड पार्ट पे आते हैं फाइव विल कम एट लीस्ट वंस अब ये समझिएगा खतरनाक क्वेश्चन कर दिया लेवल बढ़ गया है फाइव विल कम एट लीस्ट वंस एट लीस्ट वंस का मतलब है फाइव कम से कम एक बार तो आएगा कम से कम एक बार आएगा मतलब एक से ज्यादा बार भी आ सकता है ठीक है सो फाइव विल कम एट लीस्ट वन का मतलब है फाइव कम से कम एक बार तो आएगा ही आएगा एक से ज्यादा बार दो बार भी आ सकता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो डाइस को रोल कर रहे हैं तो देख लेते हैं फाइव एक बार कहां कहां पे आ रहा है

एक से ज्यादा बार भी आ सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो ये एक से ज्यादा बार आ गया फाइव फाइव आ गया तो ये भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसी में यहाँ पे भी आ गया ठीक है और कहाँ फाइव फाइव आ रहा है तो फाइव कम से कम एक बार आ रहा है फाइव यहाँ पे आ रहा है एक बार ये सारे इवेंट्स ये सारे इवेंट्स हो गए ठीक है सो सैंपल स्पेस बनाने पर जिंदगी आसान हो जाती है क्योंकि दिखने लगता है क्या चीज है क्या चीज नहीं है और जो पूछा जाता है वहां से हम फेवरेबल आउटकम्स आराम से निकाल सकते तो यहां पे हमने निकाल लिया तो यहां पे हमको क्या मिला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड इलेवन सो अगर इसको हम बोले लेट से इवेंट बी सो यहां से फेवरेबल इवेंट क्या हो गया फाइव विल कम एट लीस्ट वन कम से कम एक बार आएगा एक से दो बार भी आ सकता है सो so दो बार वाली कंडीशन यहां से ले ली तो इनको टोटल काउंट किया तो ये कितने हो गए छे और ये कितने हो गए पांच क्योंकि ये ऑलरेडी ये दोनों में आ रहा है तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे ठीक है सो सो हो हो गए 11, upon total outcome हो गए कितने इससे ज्यादा ये भी हो सकता है सो दैट इज इलेवन बाय थर्टी सिक्स ठीक है सो देखिए सैंपल स्पेस बनाने में थोड़ा सा समय लगा थोड़ी सी दिक्कत हुई लेकिन इससे क्वेश्चन सॉल्व चुटकियों में हो गया

पहले पे भी वन दूसरे पे भी वन या फिर पहले पे भी टू दूसरे पे भी टू पहले पे थ्री दूसरे पे थ्री पहले पे फोर दूसरे पे फोर पहले पे फाइव दूसरे पे फाइव एंड पहले पे सिक्स दूसरे पे सिक्स तो बस यही आउटकम्स बन सकते हैं सो so, इसी को हम लोग कहते हैं डबलेट ठीक है डबलेट का मतलब क्या हो गया डबलेट का मतलब हो गया कि ये जितने भी डाई पे जो भी नंबर आ रहे हैं ये रिपीट हो रहे हैं ठीक है सो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तो डबलेट आने को अगर हम लेट से बोल दें इवेंट ए

उसके बाद कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज ऑलवेज सेवन अब सम जो आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है दोनों डाइस का जो नंबर आ रहा है दोनों पे जो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं उनको अगर सम करेंगे तो सम करने पे सेवन आना चाहिए ये हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है इस समय ठीक है सो so दोनों पे सम सेवन आना चाहिए तो देख लेते हैं यहाँ पे एक बार तो ये सैंपल स्पेस आप बना लेंगे यहां से बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमको सम मिल रहा है सेवन के बराबर तो देखिए सेवन कहाँ कहाँ मिल रहा है देखिए यहाँ मिल रहा है सेवन वन और सिक्स पे सेवन मिल रहा है ठीक है थ्री और फोर पे सेवन मिल रहा है फोर और थ्री पे सेवन मिल रहा है और कहाँ पे सेवन मिलेगा फाइव और टू पे सेवन मिल रहा है टू और फाइव पे भी सेवन मिल रहा है और कहाँ सेवन मिल रहा है और कहीं पे भी सेवन हाँ सिक्स और वन पे सेवन मिल रहा है वन और सिक्स पे भी सेवन मिल रहा है ठीक है सो यहाँ पे हमको ये सारे नंबर्स है पे हमको सम क्या मिल रहा है जिन पे हमको सम मिल रहा है सेवन का ठीक है, काउंट so, कर लेते कितने हो गए? सो टोटल आउटकम हो गए outcome हो थर्टी सिक्स से प्रॉबिलिटी so क्या आ गई वन बाय सिक्स इज द प्रॉबिलिटी आएगा दोनों डाइस पे वो किसके बराबर आएगा वन बाय सिक्स के बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अगेन कह रहा है टू डाइस वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम अब यहाँ पे डाइस के कलर अलग अलग कर दिया भाई रंगीन क्वेश्चन कर दिया कह रहा है टू डाइस वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम दो डाइस हैं सो वन ब्लू है इसको मान लेते हैं ब्लू और इसको मान लेते हैं ग्रे कलर का ठीक है सो दो डाइस है यहाँ पे ये ब्लू कलर का ये ग्रे कलर का दोनों को थ्रो किया जा रहा है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स तो भाई पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम यही होंगे सो so, इसको हमने ऑलरेडी लिख लिया है क्वेश्चन में तो इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स वॉट इज द प्रॉबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई इज एट थर्टीन या फिर एट लीस्ट और इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है सो so, क्या प्रॉबिबिलिटी है कि हमारे पास जो सम आएगा वो 8 आएगा तो देखिए 8 वाले सम के लिए कौन-कौन से नंबर्स आएंगे डाइस पे 2 6 पे 8 आ सकता है 6 2 पे 8 आ सकता है 5 3 पे 8 आ सकता है 3 5 पे 8 आ सकता है 4 4 पे 8 आ सकता है दैट्स इट तो ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम अब ये सर ने कैसे लिखा तो भाई मैं पढ़ाता हूँ मैंने बहुत प्रैक्टिस की है तो इसलिए मुझे पता है कि इन नंबर्स पे आता है अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको करना क्या है सैंपल स्पेस बना लेना यहां से अपने आप काउंट कर लो किस पे, किस पे पे एट आ रहा है उसको काउंट कर लो तो इसी पे पेट आएगा ठीक है सो so ये हो outcomes, हो हो गए 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 हमारे फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स कितने फाइव आउट आउट ऑफ ऑफ हाउ मेनी टोटल तो इसकी प्रॉबिलिटी कितनी आ जाएगी फाइव बाय थर्टी सिक्स की सम आ रहा है एट के बराबर अब कह रहा है क्या प्रोबिलिटी है कि सम आएगा थर्टीन के बराबर अब देखिए दोनों डाइस पे जो मैक्सिमम नंबर आ सकता है वो है सिक्स एंड सिक्स अब सिक्स और सिक्स को ऐड करो तो कितना आएगा ट्वेल्व यानी मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम सम जो आ सकता है दोनों डाइस का वो कितना आ सकता है ट्वेल्व ट्वेल्व से ज्यादा नहीं आ सकता है लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि सम कितना है थर्टीन सो फेवरेबल आउटकम हो गया जीरो टोटल आउटकम हो गया थर्टी सिक्स जीरो अपॉन समथिंग इज ऑलवेज जीरो सो आंसर हो गया जीरो इसी को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों पे भाई मैक्सिमम नंबर सिक्स है तो अगर आप दोनों डाइस को रोल करेंगे तो मैक्सिमम बारह ही तो आ सकता है बारह से ज्यादा थोड़ी ना आ सकता है सो so यहां पे जो फेवरेबल तो, आउटकम हो गया हमारा वो गया, हो गया जीरो से प्रॉबलिटी हो गई जीरो नील बटे सन्नाटा घंटा खत्म ठीक है थर्ड पार्ट पे आते हैं कह रहा है सम लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व मतलब या तो बारह से कम या फिर बारह के बराबर ऐसा सम होना चाहिए तो अब देखिए लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व तो ट्वेल्व या ट्वेल्व से कम सम होना चाहिए अब ट्वेल्व या ट्वेल्व से कम सम में क्या आ जाएगा देखिए 12 या 12 से कम सम होना चाहिए सो so इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम तो ये होता है जब सम आ रहा है 12, 12 से कम में ये आ जाएगा ये आ जाएगा ये सारे ही आ जाएंगे 12 से कम में तो इन सबको ऐड करेंगे तो 12 से कम में ही आ जाएंगे तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द सम इज लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व तो ये फेवरेबल आउटकम यहाँ से आ जाएगा 36 टोटल आउटकम आ जाएगा 36 तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन सो दैट मीन्स अगर दो डाइस हम रोल करेंगे तो हमेशा 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 जो भी सम आएगा वो या तो 12 आएगा या 12 से कम ही आएगा ठीक है सो so ये 100 परसेंट इवेंट हो गया ये श्योर sure इवेंट हो गया होना ही होना है अब मैं आपसे बोलूँ कि एक सिक्का औचालय जिसमें दोनों तरफ हेड है बताइए हेड आने की क्या प्रॉबलिटी होगी तो भाई दोनों तरफ हेड है तो हेड आने की प्रॉबलिटी हंड्रेड होगी ठीक है वन बाई वन सिमिलरली यहाँ पे भी यही हुआ कि सम 12 या 12 से कम आए तो भाई कोई भी दो डाइस रोल करेंगे चाहे वो ग्रे हो ग्रीन हो ब्लू हो कोई कौन, कोई कौन भी कलर का हो लेकिन जो सम 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 आएगा आएगा वो सम क्या आएगा? सम तो वही आएगा नंबर तो वही होते हैं कलर चेंज कर कर दो दो चाहे जो भी कर दो, ठीक है सो so, कलर से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन को समझना है ठीक है सो so, हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा फिर से देख लेते हैं एक बार जल्दी से सो so, हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा विच इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा जीरो से वन के बीच में लाए करती है जीरो का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट वन का मतलब है श्योर इवेंट ठीक है उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इवेंट क्या होता है एक्सपेरिमेंट क्या होता है सैम्पल स्पेस क्या होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं श्योर sure या सर्टेन इवेंट्स क्या होते हैं एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए डाइस के ऊपर ठीक है सो so, ये बेसिकली सारे क्वेश्चन थे आई होप आपको बढ़िया समझ में आया होगा मजेदार समझ में आया होगा ठीक है सो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये क्लास अटेंड की बट बिफोर साइनिंग ऑफ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर ये जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसको जल्दी से जाके टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि कोई भी वीडियो नया से नया जो भी मैं टेलीग्राम पे आएगा मैं डालूंगा उसका लिंक हमेशा टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी की शीट्स क्वाड्राटिक इक्वेजन की शीट्स सारी टेंथ नाइन्थ इलेवेंथ ट्वेल्थ सबकी शीट्स टेलीग्राम पे शेयर होंगी मैंने ट्वेल्थ की शीट ऑलरेडी शेयर कर दी है उसको जाके वहाँ से डाउनलोड करके उसके क्वेश्चन आप कर सकते हो उसमें आंसर्स भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा सो जल्दी से जाइए ए प्लस बी होल स्क्वायर टेलीग्राम चैनल को ऐड कीजिए अपने टेलीग्राम पे। और आइकॉनिक और प्लस के जो सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं जाके जल्दी से एनरोल कीजिए न मत भूलिएगा वहाँ पे आपको डालना है कोड यश टेन जिससे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और मेरी जब जब लाइव क्लासेस होंगी और जो भी सेशन मैं लूँगा वो सारी यहाँ पे आपको शो करने लगेगा एप्लीकेशन पे अगर वीडियो अच्छा लगा है मज़ा आया है तो भाई जल्दी से लाइक करें शेयर करें और घंटा बजा दे क्योंकि घंटा बजाने से जो भी वीडियो मैं दूँगा वो आप तक पहुँचता रहेगा ठीक है सो दैट इज़ फॉर टुडे थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास प्रॉबिलटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन और कराऊंगा ये क्वेश्चन मैंने कराए थे डाइस के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे कार्ड के ऊपर सो कार्ड को कैसे यूज करना है क्वेश्चन कैसे करने योग डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में तब तक के लिए पढ़ते रहिए टेक केयर एंड लेट्स क्रैकेट बाय